क्लासेज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इस सीरीज को देखकर आप अपने एग्जाम की 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का सारा क्वेश्चन इस सीरीज से ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 के छठे पाठ परंपरा के मूल्यांकन पाठ के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन को। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख निबंध, ऑप्शन ग उपन्यास, ऑप्शन घ व्यंग। एंसर ख निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है ऑप्शन क रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख जगदीश नारायण चौबे, ऑप्शन ग शिव पूजन सहाय, ऑप्शन घ अमरकांत। आंसर क रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन क 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ख 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ऑप्शन ग 10 अक्टूबर 1913 ईस्वी में, ऑप्शन घ 10 अक्टूबर 1914 ईस्वी में। आंसर ख 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन क प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन ख नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन ग निराला की साहित्य साधना, और ऑप्शन घ भारतेंदु हरिश्चंद। आंसर ग निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन क समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन ख पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन ग सामंतवादी व्यवस्था, और ऑप्शन घ आधुनिक व्यवस्था में। ऑप्शन क समाजवादी व्यवस्था। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है ऑप्शन क रघुवीर सहाय, ऑप्शन ख अज्ञेय, ऑप्शन ग जायसी, ऑप्शन घ रामविलास शर्मा। आंसर घ रामविलास शर्मा। हिंदी में जीवनी को साहित्य एक नया आयाम दिया, यतेंद्र मिश्र ने, अमरकांत ने, और ऑप्शन घ रामविलास शर्मा ने, और ऑप्शन घ नलिन विलोचन शर्मा ने। आंसर घ रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन क रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन ग अमरकांत, और ऑप्शन घ यतेंद्र शर्मा। आंसर क रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? बदरघाट पटना, उन्नाव उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, या दुर्ग छत्तीसगढ़। आंसर ख उन्नाव उत्तर प्रदेश। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? ऑप्शन क संस्कृति की, ऑप्शन ख धर्म की, ऑप्शन ग अध्यात्म की, और ऑप्शन घ जन समुदायों और जातियों की। आंसर ख धर्म की। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ऑप्शन क उत्तम, ऑप्शन ख मध्यम, ऑप्शन ग अधम, और ऑप्शन घ व्यंग। अधम। जार शाही डैश में थी, ऑप्शन क सोवियत रूस, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग नेपाल, और ऑप्शन घ चीन। आंसर क सोवियत रूस। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है ऑप्शन क बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन ख वेदांत दर्शन से, ऑप्शन ग मार्क्स के विचार से, और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर ग इनमें से कोई नहीं। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते थे? महान राष्ट्रीय संग्राम, राजनीतिक संग्राम, और धार्मिक संग्राम, और ऑप्शन घ सामाजिक संग्राम। आंसर क महान राष्ट्रीय संग्राम। राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? ऑप्शन क विच्छिन्न प्रवाह, ऑप्शन ख अविच्छिन्न प्रवाह, और ऑप्शन ग लौकिक प्रवाह, और ऑप्शन घ अलौकिक प्रवाह। आंसर ग लौकिक।